हे देयर माय लवीज आर्मी, हाउ आर यू ऑल। तो अभी 2 दिन पहले मेरे एक बहुत प्यारे सब्सक्राइबर ने मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके बताया, दी अब हम लोग लवीज नहीं है, वी ऑल आर लवीज आर्मी। हम लोग सब एक लवीज आर्मी के पार्ट हैं, और अगर आप भी इसके पार्ट हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में #लवीज आर्मी जरूर लिखना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज एडिक्शन। बहुत ज्यादा एडिक्शन हो जाता है, चीजें नहीं छोड़ पाते हैं, और एडिक्शन के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी हम फेस करने लग जाते हैं। वेल, जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, नमस्ते, मेरा नाम ऋतिका गुप्ता है। एंड मिस चैनल ऑफ अट्रैक्शन, स्पिरिचुअल रेमिडीज, एंजल नंबर, स्विच वर्ड्स, मंत्रास एंड बहुत सारी चीजों पर वीडियो बनाती हूँ। गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो बेसिकली एडिक्शन किसी भी प्रकार का हो सकता है। बहुत ज्यादा आप इनटेक कर रहे हो स्मोकिंग का, ड्रग्स का, बहुत ज्यादा जॉइंट ले रहे हो आप, यू नो, बहुत गंदी गंदी आदतें हो जाती हैं कभी कभार और हम इसको नहीं छोड़ पाते। बहुत अब्यूजिव है, बहुत गाली गलौज हो रही है कि वो ही नहीं खत्म कर पा रहे हैं। बहुत ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हो जो कि आपके माइंड पे बहुत जल्दी इफेक्ट करता है। अगर मास्टरबेट कर रहे हो ना तो आज से ही करना बंद कर दो, क्योंकि ये आपके माइंड में इतना गंदा गंदा असर डालता है और ये आपको अभी नहीं पता चल रहा। अभी तो एज है, एंजॉय कर रहे हो, आगे जाके लाइफ में एक फेज आता है कि ये आपके माइंड के एक ग्लैंड को खराब कर देता है जिसकी वजह से आप सफर करते। आज बात करने वाली हूँ इन सारे एडिक्शंस को हटाने के लिए, एक नॉर्मल सी टेक्निक बताने वाली हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। अब इस टेक्निक को कोई भी कर सकता है। ब्रदर सिस्टर के लिए कर सकती है, सिस्टर अपने भाई के लिए कर सकते हैं, मदर्स अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं, या बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए कर सकते हैं। आप ये टेक्निक किसी के लिए भी कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सोच लीजिए आपको किस पे काम करना है। स्मोकिंग हटाना है, ड्रग्स का इंटेक कम करना है, खत्म ही करना है, खत्म ही करना है, अल्कोहल बिल्कुल नहीं पीना है। एंड कभी कभार घर में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो एक नेगेटिव ऑरा घर में क्रिएट कर देते हैं, दिन भर लड़ाई झगड़े एंड ऑल, आप उनके लिए भी ये चीज कर सकते हैं। तो पहली चीज आप सोच लीजिए आपको किस चीज पे काम करना है। आप एक चीज पे कर सकते हो, दो चीज पे कर सकते हो, तीन चीज पे कर सकते हो, पांच चीजें कर सकते हो। और एक और बात, इन सब के अलावा भी हमारे अंदर बहुत गंदे एडिक्शंस हो जाते हैं किसी भी प्रकार के। बहुत ज्यादा हम बाहर का खाना एक एडिक्शन हो जाता है, नहीं बाहर का तो हमें खाना खाना ही है, उसको भी आप रिमूव कर सकते हो। तो पहले अपने एक माइंडसेट बना लीजिए हमें किस पे काम करना है, उसके बाद अब आप ये नॉर्मल अफर्मेशन बोलेंगे जो मैं अब आपको बता रही हूँ। इस सीन के लिए, इस सिनेरियो के लिए मैंने अपनी एक सब्सक्राइबर को भी ये चीज रिकमेंड करी थी एंड उनने बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स देखे हैं। तो अभी आपका काम है माय लवीज आर्मी, आपको ये करना है एंड मेरे साथ रिजल्ट शेयर करना है। अगर आप कोई टेक्निक्स कर रहे हो करंट में, बिल्कुल करो, साथ में आप ये भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल अफर्मेशन के फॉर्म में चीजें बोलते हैं। तो अब बात करते हैं टेक्निक की। इस सीन में, इस प्रॉब्लम के लिए एक टेक्निक सबसे बेस्ट तरीके से काम करती है, दैट इज व्हाट इफ टेक्निक। व्हाट इफ टेक्निक में आपको अपनी प्रॉब्लम को रखना है और वो बस अफर्म करना है। नॉर्मल अफर्मेशन कैसी होगी आप ये भी सुन लीजिए। व्हाट इफ यूनिवर्स, मैं स्मोकिंग करना बंद कर दूं। व्हाट इफ यूनिवर्स, मेरी स्मोकिंग करने की आदत खत्म हो जाए। व्हाट इफ यूनिवर्स, मैं ड्रग्स पीना बंद कर दूं, ड्रग्स लेना बंद कर दूं। व्हाट इफ यूनिवर्स, मेरी मास्टरबेट करने की हैबिट टोटली खत्म हो जाए। व्हाट इफ यूनिवर्स, मैं जॉइंट पीना बंद कर दूं। आपको ऐसे करके अपनी अफर्मेशन बोलना है। अगर मदर्स अपने बच्चों के लिए कर रही तो वो ये बोल सकती हैं, व्हाट इफ यूनिवर्स, मेरे बच्चे और ज्यादा पढ़ने लग जाए। व्हाट इफ यूनिवर्स, मेरे बच्चे बहुत ज्यादा स्टूडियस हो जाए। व्हाट इफ यूनिवर्स, मेरे अंदर की सारी बाहर के खाने की आदतें खत्म हो जाए। आप हिंदी में बोल सकते हो, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, आप बंगाली में बोल सकते हो, लेकिन आपको उसको नॉर्मली बोलना है। दी इसके लिए व्हाट इफ टेक्निक ही क्यों काम करती है, और भी तो टेक्निक्स हैं जिसको हम कर सकते हैं। जब आप इसमें व्हाट इफ टेक्निक को करेंगे, व्हाट इफ टेक्निक बोलोगे, तो आप ये चीजें यूनिवर्स के सामने रख लोगे। यूनिवर्स, क्या व्हाट इफ मैं अगर इसको करना बंद कर दूं, तो यूनिवर्स आपके सामने उस सिनेरियो को लेकर आएंगे। अब जब आप इस टेक्निक को करोगे ना, नॉर्मल आप इसको बोलोगे, आप बोलोगे दी कितनी बार बोलना है, तो एवरी डे आपको इसको बोलना है 7 times। सुबह बोलेंगे, 7 times शाम को बोलेंगे, शुरुआत में 3 बार थैंक यू बोलेंगे, एंड में 3 बार थैंक यू बोलेंगे। एग्जाम्पल सुन लो, थैंक यू यूनिवर्स, जस्ट इमेजिन व्हाट इफ मैं स्मोकिंग करना बंद कर दूं, थैंक यू। व्हाट इफ यूनिवर्स, मेरी सारे बैड हैबिट्स खत्म हो जाए, थैंक यू। ऐसे करके आपको ये अफर्मेशन बोलना है। आप अपनी नॉर्मल अफर्मेशन भी लगा सकते हैं, लेकिन व्हाट इफ टेक्निक से ये बहुत जल्दी काम करता है, इसलिए इस केस में आप व्हाट इफ टेक्निक को ही लेकर चलेंगे। अब आपको इसको रोज करना है, 40 दिन का चैलेंज लेके करना है, लेकिन दी
होगा क्या, हम कैसे समझे कि टेक्निक हमारे लिए काम कर रही है। आपके सामने ऐसे सिनेरियो होंगे, लोग आपके सामने कर रहे हैं लेकिन आपको उस चीज से इरिटेशन होगी, आपके अंदर से मन नहीं बोलेगा यार अब मुझे नहीं करना, मैं बहुत थक चुका हूँ, मेरा मन भर गया, अब मुझे ये चीजें नहीं करनी। ऐसी चीजें आपके साथ होंगी क्योंकि जब ये चीज यूनिवर्स आपसे करवाएंगे तो आपके सामने ऐसे सिचुएशंस रख देंगे कि आपका मन ही नहीं करेगा इस चीज को लेने का। और व्हाट इफ टेक्निक बेस्ट टेक्निक मानी जाती है अपनी एडिक्शंस प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए, तो आप इसको जरूर करें। पेरेंट्स घर में बहुत लड़ाई करते हैं या पेरेंट्स बहुत नेगेटिव एनवायरनमेंट, क्या कहते हैं ना, कभी कभार पेरेंट्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो घर पे वही लड़ाई झगड़े होते हैं। मैं यहाँ पे किसी को कसूरवार नहीं ठहरा रही, बट कभी कभार मेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हो जाती हैं कि इंसान कंट्रोल नहीं कर पाता, और घर की एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ इंसान दिल से सब कुछ कर लेता है। तो अगर पेरेंट्स के लिए करना चाहते हो तो आप ऐसे बोलोगे, व्हाट इफ यूनिवर्स मेरे पापा बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए, व्हाट इफ यूनिवर्स मेरे पापा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंसान बन जाए, व्हाट इफ यूनिवर्स मेरे घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाए। ऐसे करके आपको अफर्मेशन बोलना है, मम्मी के लिए भी कर सकते हैं, पापा के लिए भी कर सकते हैं, भाई के लिए भी कर सकते हैं, बहन के लिए भी कर सकते हैं। कोई इंसान बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा है और आपको उसकी प्रॉब्लम देख ही नहीं जा रही, उसके लिए कैसे यूज़ करना है अगले वीडियो में बताऊंगी, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में आप बस अपने एडिक्शंस को लिखिए, लिख के भी कर सकते हैं, बोल के भी कर सकते हैं, लेकिन 40 डेज आपको रोज करना है। बोल के करोगे तो ज्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि जब आप उस फीलिंग में आके करोगे ना तो आप उस चीज का यू नो रिजल्ट भी देखोगे। इसलिए बोल के करो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, नॉर्मल रहना है, और अपने आप के लिए गिफ्ट भी तैयार कर लेना, ये आपका सेल्फ गिफ्ट होने वाला है। ये चीज मैं हमेशा करती थी जब मैं अपने 10th स्कूल लाइफ में थी, तो मेरे अंदर बहुत बुरी आदत थी एक चीज़ की कि मेरे को ना मैथ्स पढ़ना बहुत गंदा लगता था, मैं मैथ्स में इतनी डब्बा थी या अभी भी हूँ, मुझे मैथ्स से नफरत, आई जस्ट हेट मैथ्स। तो मैं क्या करती थी, मुझे शेक बहुत पसंद है, मुझे चॉकलेट शेक बहुत ज़्यादा पसंद होता था, अब नहीं है बट उस टाइम बहुत ज़्यादा, कहते ना कि मुझे बहुत मन होता था चॉकलेट शेक पीने का, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव था, बहुत कॉस्टली भी मिलता था। तो आई वॉज लाइक, मैं अपने आप को चैलेंज देती थी कि अगर मैं रोज़ 2-2 घंटे मैथ्स पढ़ती हूँ, तो मैं अपने भाई से बोलती थी कि संडे तुम मेरे को चॉकलेट शेक पिलाने ले जाओगे, एंड मैं इस चीज़ को यू नो रोज करती थी, नहीं संडे जाना है, चॉकलेट शेक पीना है, मैथ्स तो करना है, 2 घंटे करना है, और मैं उस पूरे वीक के दिन करती थी, और संडे आई वॉज लाइक चले भाई मेरा पूरा वीक का हो गया। लेकिन अगर मैं वीक का एक दिन भी छोड़ती थी तो मेरा संडे का शेक वाला चीज़ कैंसिल हो जाता था। इसलिए आप भी अपने आप के लिए कुछ गिफ्ट रेडी रखिए, कोई चीज़ जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है वो चीज़ आप खुद के लिए करना जब आपका एडिक्शन रिमूव हो जाएगा, तो आपको भी और अच्छा लगेगा कि आप सेल्फ गिफ्ट भी कर रहे हो, सेल्फ लव भी दे रहे हो खुद को, और एक अच्छा सा एनवायरमेंट खुद के अंदर भी क्रिएट हो रहा है। डू ट्राई दिस टेक्निक, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं लव यू आर्मी, थैंक यू फॉर ऑल योर लव, फॉर ऑल योर कमेंट्स, थैंक यू फॉर द न्यू सब्सक्राइबर्स जो मुझसे जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। लव यू, लव यू ऑल, मे यूनिवर्स फुलफिल ऑल योर विशेस। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, बिकॉज यू डिजर्व इट।